हेलो एंड वेलकम टू आसान है एजुकेशन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देखते हैं कॉन्टेम्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो डिफाइन किया गया है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक नाइनटीन में ओके okay. और कॉन्टेंट ऑफ कोर्ट जो है वो आइदर सिविल कॉन्टेम्प्ट हो सकता है या क्रिमिनल कॉन्टेमट हो सकता है सिविल कॉन्टेम्प्ट क्या होता है सिविल कॉन्टेम्प्ट मीन्स आप विलफुली डिस ओबे करते हो जानबूझकर बुझ कर करते हो द जजमेंट डिग्री डायरेक्शन ऑर्डर रिट या अदर प्रोसेस ऑफ अ कोर्ट आर विलफुल ब्रीच ऑफ अंडरटेकिंग गिवन टू अ कोर्ट सो सिविल कॉन्टेम्ट में क्या आता है कि आप जानबूझकर डिसओबे करते हो कोर्ट के किसी जजमेंट को डिग्री को डायरेक्शन को ऑर्डर को रिट को या अदर किसी प्रोसेस ऑफ कोर्ट को या विलफुली ब्रीच करते हो विलफुली उल्लंघन करते हो जानबूझकर उल्लंघन करते हो किसी भी अंडरटेकिंग को गिवन टू अ कोर्ट लेकिन क्रिमिनल कॉन्टेम्ट क्या होता है सिविल कॉन्टेंट को तो कोर्ट्स बहुत हल्के में लेते हैं लेकिन क्रिमिनल कॉन्टेंट को बहुत सीरियसली लेते हैं और यहां पर पनिशमेंट बहुत सीरियस होता है क्रिमिनल कॉन्टेंट में क्या होता है यहां पर आप किसी चीज को पब्लिश करते हो बाई वेदर वर्ड स्पोकन आर रिटेन आर बाई साइंस विजिबल रिप्रेजेंटेशन आर अदरवाइज ऑफ एनी मैटर आर द डूइंग ऑफ एनी अदर एक्ट वॉट शो एवर विच स्कैंडलाइज आर टें टू स्कैंडलाइज आर लोअर्स आर टें टू लोअर द अथॉरिटी ऑफ एनी कोर्ट आर प्री जुडिश आर इंटरफियर्स आर टें टू इंटरफियर ड्यू कोर्स ऑफ एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इंटरफियर्स आर टें टू इंटरफियर विथ आर ऑफ ट्रक्स आर टें टू ऑफ स्ट्रक्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन एनी अदर मैनर क्रिमिनल कंटेंट में क्या होता है कि आपके पब्लिकेशंस के द्वारा वो वर्ड के थ्रू हो सकता है स्पोकन रिटेन साइन या विजिबल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आप कोर्ट के अथॉरिटी को लोअर करते हो या स्कैंडलाइज करते हो कि कोर्ट जो है करप्ट है या किसी खास रिलीजन के प्रति या ब्राइबरी के प्रति ब्राइब लेके ये जजमेंट आया है इसका मतलब यही है कि आप कोर्ट के अथॉरिटी को स्कैंडलाइज करते हो प्री जुडिस प्री जुडिस मतलब पूर्वाग्रह आप किसी प्रोसीडिंग्स को लेके पूर्वाग्रह रखते हैं या पूर्वाग्रह का ड्यू कोर्स ऑफ एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को आप मिसलीड करते हैं या फिर आप इंटरफियर करते हैं या ऑब्सट्रक्ट करते हैं द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सो क्रिमिनल जस्टिस को बहुत सीरियसली लिया जाता है लेकिन सिविल कॉन्टेम्ट क्या होता है सिविल कॉन्टेम्ट होता है विलफुल डिसबीडियंस मतलब जानबूझकर आपने किसी जजमेंट को डिग्री को डायरेक्शन को डिसओबे कर दिया लेकिन क्रिमिनल कॉन्टेम्ट में क्या होता है आप अपने पब्लिकेशंस के थ्रू जो वर्ड के थ्रू स्पोकन रिटर्न साइंस या विजुअल रिप्रेजेंटेशन किसी के द्वारा अगर आप कोर्ट के अथॉरिटी को स्कैंडलाइज करते हैं या टेंड टू स्कैंडलाइज करते हैं लोअर करते हैं ओके okay? या आप प्री जुडिस आर इंटरफियर करते हैं विद ड्यू कोर्स ऑफ एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग या आप इंटरफियर करते हैं या ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन एनी अदर मैनर ओके सो ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट नाइनटीन सेवेंटी वन दो कॉन्टेंट की बात करता है सिविल कॉन्टेंट एंड क्रिमिनल कॉन्टेंट सिविल कॉन्टेम्ट क्या होता है विलफुल डिसोबीडियंस टू एनी जजमेंट डिक्री डायरेक्शन ऑर्डर रिट क्रिमिनल कॉन्टेंट क्या होता है अब अपने पब्लिकेशंस के थ्रू स्कैंडलाइज करते हो या लोअर करते हो द अथॉरिटी ऑफ एनी कोर्ट आप जो है इंटरफियर करते हो इन द ड्यू कोर्स ऑफ एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग या आप ऑब्स्ट्रक्ट करते हो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन एनी अदर मैनर अब पनिशमेंट क्या है इसकी अ अंटेम ऑफ कोर्ट में भी पनिस्ड विथ सिंपल इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मेंिक्स मंथ आर विथ अ फाइन विच में एक्सटेंड अप टू टू थाउजेंड रुपीज आर विथ बोथ सो पनिशमेंट यहां पर क्या हो सकता है पनिशमेंट आपका हो सकता है सिंपल इंप्रिजनमेंट Okay, and which may be extended up to six months, are a fine of up to 2000 rupees, or both okay, provided that the accused may be.

इम्प्रिजनमेंट ओके okay? और लेकिन अगर आप अपोलोजी अपोलोजी मतलब माफी मांग लेते हैं कोर्ट में तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा अब देखते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू कॉन्टेंट एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्योंकि कॉन्टेंट और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रोवर्सी कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं देखिए आर्टिकल 19 क्लॉज वन क्लॉज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है टू ऑल द दिटीजन बट जो हमारा कॉन्टेम्प्ट प्रोविजन है ये कर्ब करता है पीपल्स फ्रीडम टू स्पीक अगेंस्ट द कोर्ट फंक्शनिंग आप कोर्ट के फंक्शनिंग को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते कोर्ट के अथॉरिटी को लोअर नहीं कर सकते ओके okay? सो so, आप ये नहीं कर सकते कि अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज वन क्लॉज ए आई हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सो आई है वॉट एवर आई लाइक अबाउट द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ओके आप उनको लोअर नहीं कर सकते उनकी अथॉरिटी को आप उनकी जो ट्रस्ट है पीपल में आप उसको लोअर नहीं कर सकते तो आपके ऊपर कॉन्टेम्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा और देखिए आर्टिकल 129 एंड 215 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इम्पावर द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट रेस्पेक्टिवली टू पनिश पीपल फॉर देयर रेस्पेक्टिव कॉन्टेंट आर्टिकल 129 एंड 215 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट को एंड आर्टिकल 215 डिफरेंट हाई कोर्ट्स को इम्पावर करता है टू पनिश फॉर देयर कॉन्टेम्ट ओके अगर कोई कॉन्टेम मतलब कोई उनकी आज्ञा का अवमानना करता है कोई उनके ऑर्डर का विलफुली डिसओबे करता है या फिर क्रिमिनल कॉन्टेम्ट कमिट करता है तो अंडर आर्टिकल 129 215 उसको पनिश किया जा सकता है आर्टिकल वन फोर्टी सुप्रीम कोर्ट टू इन्वेस्टिगेट एंड पनिश एनी पर्सन फॉर इट्स कॉन्टेप आर्टिकल 142 फोर्टी टू इनेबल करता है सुप्रीम कोर्ट को टू इन्वेस्टिगेट एंड पनिश एनी पर्सन फॉर इट्स कॉन्टेम्प्ट और पावर टू पनिश फॉर कॉन्टेम्ट ऑफ कोर्ट अंडर आर्टिकल 129 एंड 215 हंड्रेड इज नॉट सब्जेक्ट टू आर्टिकल 19 क्लॉज़ 1 क्लॉज़ ए आप इस बेसिस पर उसको डिफेंड नहीं कर सकते अंडर आर्टिकल 129 एंड 215 अगर आपको पनिस किया जा रहा है कि मेरा ये वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन था सो मैंने कुछ भी बोल दिया है तो इसकी वजह से आपको पनिशमेंट ना मिले तो ये याद रखिए कि आर्टिकल 129 एंड 215 के अंतर्गत अगर आपको पनिश किया जाता है तो वो जो है आर्टिकल 19 क्लॉज वन क्लॉज ए के अंतर्गत आप उसको डिफेंड नहीं कर सकते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आप याद रखेंगे अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज वन क्लॉज ए जो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला हुआ है वो कॉन्टेप्ट प्रोविजन में लागू नहीं होता है आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं लोअर नहीं कर सकते हैं द अथॉरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट और आर्टिकल वन एंड टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंपॉर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश पीपल

एक्सटेंड अप टू टू थाउजेंड रुपीज़ आर विद बोथ छः महीने की पनिशमेंट मैक्सिमम ऐसा नहीं है कि छः महीने की हो जाएगी एक महीने दो महीने तीन महीने वो दैट डिपेंड्स ऑन द सीरियसनेस ऑफ योर केस ओके तो छः महीने की आपको सजा हो सकती है या फिर दो हज़ार रुपये की फाइन हो सकती है लेकिन अगर आप कोर्ट में जाकर माफ़ी मांग लेते हैं अगर कोर्ट आपके कोर्ट सेटिस्फाई है तो आपको कोई भी पनिशमेंट मिलेगा नहीं ओके okay. और हमने क्या देखा कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट कॉन्टेम्ट ऑफ कोर्ट एक 1971 दो तरह की कॉन्टेप्ट की बात करता है सिविल कॉन्टेप्ट एंड क्रिमिनल कॉन्टेम्ट सिविल कॉन्टेप्ट क्या होता है सिविल कॉन्टेप्ट मींस विलफुल डिस आप विलफुली जानबूझकर बुझ कर डिसोबे करते हैं एनी जजमेंट डिग्री डायरेक्शन ऑर्डर रिट आर अदर प्रोसेस ऑफ अ कोर्ट आर विलफुल ब्रीच ऑफ अंडरटेकिंग गिवेन टू अ कोर्ट लेकिन क्रिमिनल कॉन्टेंट क्या है ये एक सीरियस कॉन्टेप्ट है इसमें क्या होता है कि आप अपने पब्लिकेशन के थ्रू पब्लिकेशन किसी भी वे में हो सकता है बाई वर्ड स्पोकन आर रिटन आर बाई साइन आर बाई विजुअल रिप्रेजेंटेशन और आप क्या करना चाहते हो आप स्कैंडलाइज करते हो या टेंड टू स्कैंडलाइज करते हो या लोअर करते हो या टेंड टू लोअर करते हो द अथॉरिटी ऑफ एनी कोर्ट प्री जुडिसेस आर इंटरफियर टू इंटरफियर विद्यू कोर्स ऑफ एनी जुडिशियल आप इंटरफियर करते हो इन द ड्यू कोर्स ऑफ एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग तब भी आपके ऊपर क्रिमिनल कॉन्टेंट लग सकता है या आप इंटरफियर करते हो या टेंड टू इंटरफियर करते हो या ऑब्स्ट्रक्ट करते हो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन एनी अदर मैनर ओके सो इस वीडियो में हमने क्या देखा हमने देखा कि जो हमारा कॉन्टेंट ऑफ कोर्ट एक्ट नाइनटीन सेवेंटी वन है वो दो तरह के कॉन्टेंट की बात करता है सिविल कॉन्टेंट एंड क्रिमिनल कॉन्टेंट सिविल कॉन्टेंट क्या होता है क्रिमिनल कॉन्टेंट क्या होता है पनिशमेंट क्या हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं कॉन्टेंट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग